नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ एक छोटा सा उपाय त्वचा संबंधित इस गंभीर बीमारी को सेकंडों में कर सकता है दूर, जाने कैसे। प्यारे दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान है। लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो चाहकर भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते। वहीं इससे आपके शरीर को काफी नुकसान होता है। यही कारण है कि आए दिन व्यक्ति को त्वचा संबंधित बीमारियां आ घेर लेती है, जिसके कारण उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या सही नहीं होती है तो ये तो निश्चित है कि उसे कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इसी वजह से त्वचा संबंधित समस्याएं भी शुरू हो जाती है। ये बीमारियां शुरुआत में साधारण रूप में नजर आती है, कई बार ये खुजलाहट से शुरू होती है, लेकिन वही समय बीतते बीतते भयंकर रूप धारण कर लेती है। इन रोगों में प्रमुख दाद, खाज, खुजली होती है। ये ज्यादातर गुप्तांगों के आसपास ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की बीमारियां नमी के कारण होती है। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि आप अपने शरीर को बस खुजाते रहें? खुजली में ये सबसे आम बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। खुजली में इंसान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और बस लगातार खुजली करता रहता है। इससे उसके शरीर में काफ़ी बुरा असर पड़ता है और वो इतना बुरा बेहाल हो जाता है कि वो हर प्रकार के उपाय करने के लिए मजबूर हो जाता है, परंतु फिर भी उसे ये समझ नहीं आता कि वो किस प्रकार से अपनी समस्या से निजात पाए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इसी समस्या के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप साबुन और शैम्पू का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि साबुन और शैम्पू में वो तत्व होते हैं जो एक ही दिन में आपकी तकलीफ को दुगना कर दे। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ जाती है। माना जाता है कि अगर एक्जिमा का मरीज समुद्र के पानी से नहाता है तो वो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। वहीं आप इस तरह की बीमारी से बचने के लिए नीम के कुछ पत्तों को उबाल कर उसके पानी में मिलाकर नहाएंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अनार के पत्तों का पेस्ट बनाकर दाद पर लगाने से भी काफ़ी हद तक फायदा होता है। नींबू के रस की कुछ बूंदे केले के गुद्दे में मिलाकर दाद वाली जगह पर लगाने से आपको आराम मिलेगा। दाद में बथुए की सब्जी फायदेमंद होती है, इसलिए हो सके तो उबाल कर उसका रस पिए। सेंधा नमक को पिसी हुई गाजर में मिलाकर उसे हल्का गुनगुना करके दाद वाली जगह पर लगाएं, इससे भी आपको राहत प्राप्त होगी। दाद, खाज, खुजली में कच्चे आलू का रस भी फायदेमंद होता है। कच्चे आलू का रस पिए, इससे आपको इस समस्या से निजात मिलेगा। हल्दी का लेप भी दाद के लिए फायदेमंद होता है। आप इसे रात के समय लगाकर सोएं और आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी। दूध में गुलकंद मिलाकर पीने से भी दाद की समस्या से राहत प्राप्त होती है। दाद वाली जगह पर नीम की पत्ती और दही का पेस्ट लगाएं, इससे भी दाद छूमंतर हो जाएगा। रोजाना 12 ग्राम नीम के पत्तों का रस पीने से भी यह समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।